50 टाइप्स ऑफ बिजनेस। मैंने शहर को समझा परखा, उसके हिसाब से काम शुरू किया। टेक्सटाइल इंजीनियर होने के साथ साथ अब अपना बिजनेस भी कर रही हैं। मैं एक जामिया कारोबार कर रही हूँ, या कह सकते हैं आपके मैं कंप्लीट डिपार्टमेंटल स्टोर हूँ औरतों का। आपको कभी कोई मुश्किल पेश आई है? सरमाए की कमी की मुश्किल, मुआशरे की मुश्किल, माहौल की मुश्किल, लोगों को फेस करने की मुश्किल, मतलब ये एक लंबी तफसील बन जाएगी। बिजनेस का प्लान नहीं था, बस ये पता था कि कंट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि लोगों में निकलना है। आज वो टाइम है कि सिर्फ 10% औरतें काम कर रही हैं, वो भी घुटा घुटा सा छुपा हुआ। अपने कारोबार को वक्त कितना देती हैं आप? तकरीबन 19 से 20 घंटे डेली। 19 से 20 घंटे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वाह। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेटेड खातून से मिलवाना चाह रही हूं जो कि एक टेक्सटाइल इंजीनियर होने के साथ साथ अब अपना बिजनेस भी कर रही हैं। और बिज़नेस करने का मकसद सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना ही नहीं, बल्कि वो उन खवातीन को मोटिवेट करना चाहती हैं जो अपने घरों की चार दीवारी में कैद होकर रह गई और अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाती। आइए आपको मिलवाते हैं सहर नदीम से और जानते हैं कि उनकी इस मोटिवेशन का क्या राज है, किस तरह उनको ये आइडिया आया कि उनको ख्वातीन को भी मोटिवेट करना चाहिए और अपना कारोबार भी करना चाहिए। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक टेक्सटाइल इंजीनियर हैं आप और आपने तकरीबन 20 साल इंडस्ट्री में काम भी किया है, फिर ऐसा क्या सोचा आपने कि आपको लगा कि आपको अपना बिजनेस करना चाहिए? और जिस तरह से आपने हमें बताया उसके थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? असल में बात यह है कि जॉब की थी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। मैंने टेक्सटाइल में भी मुख्तलिफ तरह की मिल्स में और मुख्तलिफ तरह की फैक्ट्रीज में जॉब की। जब समझा कि मेरा एक्सपीरियंस वेल हो गया प्रॉपरली और मज़ीद मुझे गेन नहीं करना, इतने पे मेरा काम चल जाएगा, तो फिर मैंने अपने आप को बिज़नेस की लाइन की तरफ ले। असल में शुरू में सब ये वेल प्लान था, लेकिन आप डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो वो शायद उस तरह से उठान नहीं आती बिजनेस की। कुछ एक्सपीरियंस चाहिए था लोगों का, मुआशरे का या बिहेवियर्स का। तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस रन किया, 50 टाइप्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि आपको मैंने बताया कि लाहौर में जामिया कारोबार बहुत कम औरतें करी, मैंने शहर को समझा परखा, उसके हिसाब से काम शुरू किया और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे इंतहाई कामयाबी से नवाजा। और उसके साथ साथ मैंने टाइम की ज़रूरत को देखते हुए अपने कौमी नज़रिए की तरफ आ गई, जो कि वो भी वेल प्लान था पहले से कि मैं औरतों में ये डिबेट किया करूँगी। और इस तरह ये दोनों काम साइड बाई साइड मैं चला रही हूँ। अच्छा, जब जॉब करने का डिसीजन लिया था तो ये एक पहले ही डिसाइडेड था कि जॉब करके एक्सपीरियंस है, कि जैसे आपने अभी कहा कि हर काम को करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जी हाँ, ये पहले से ही प्लान था कि आपने आगे बिजनेस ही करना है? बिजनेस का प्लान नहीं था, बस ये पता था कि कंट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि लोगों में निकलना है। तो वो बिजनेस इटसेल्फ हो गया क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था, तो बिजनेस वक्त की रिक्वायरमेंट था लाहौर के हिसाब से। अच्छा, आप एक कलेक्टिव बिजनेस कर रही हैं जी? हाँ। जैसे आपने हमें बताया, कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा कि उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मैं एक जामिया कारोबार कर रही हूँ, या कह सकते हैं आपके मैं कंप्लीट डिपार्टमेंटल स्टोर हूँ औरतों का, चलता फिरता डिपार्टमेंटल। जी हाँ बिल्कुल, रनिंग में। तो उसमें ये है कि हर किस्म का लेडीज़ कपड़ा, चादरें ओढ़ने वाली और बेडशीट्स, टॉवल्स, आपकी ज्वेलरी हो गई, आपके हैंड बैग्स हो गए, आपके परफ्यूम्स, आपके बॉडी स्प्रेज, मेकअप की ह्यूज कलेक्शन, आपके केमिकल्स, स्किन के, हेयर के, हर तरह के। तो इस तरह से 50 से प्लस मसनूआत की एक रेंजेस बन जाती हैं और वो सब मैं रनिंग में ले रही हूँ आजकल। मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए एक खातून होके? क्योंकि हमारे माशरे में एक परसेप्शन बना हुआ है कि एक लड़की है तो उसने घर से बाहर निकलना है, तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको कभी कोई मुश्किल पेश आई है? बिल्कुल, मुझे मैं बताना चाहूँगी, अब तो मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब स्टार्ट किया होगा तो टाइम इतना ईजी गोइंग नहीं था तब, 25 साल पहले। तो हर किस्म की मुश्किल उठाई है, सरमाए की पहले नंबर पर सरमाए की कमी की मुश्किल, माशरे की मुश्किल, माहौल की मुश्किल, लोगों को फेस करने की मुश्किल, आदमियों में निकल की, मतलब ये एक लंबी तफसील बन जाएगी। कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो ना उठाई हो, और अब कोई ऐसी आसानी नहीं है जो ना पाई हो। तो वो कन्वर्ट किया है टाइम को खुद ही, उन सब चीज़ों को मैंने अपनी स्ट्रेंथ में शामिल किया है और अब मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मैंने इन चीज़ों से इन्हीं चीज़ों के ज़्यादा होने से मैं उभरी हूँ। अगर प्रॉब्लम्स इतने नहीं होते तो मैं इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती आज। सरमाए की आपने बात की है, तो हर बिज़नेस को चलाने के लिए सरमाया सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है।
आपका कितनी आपने कितनी सरमायाकारी की थी स्टार्ट करने में? असल में मैं बताऊं कि जॉब वाले बंदे के पास ऐसी सरमायाकारी नहीं हुआ करती, मेरे पास भी नहीं थी, लेकिन आपका विजन आपसे सब करवाता है या आपका जहन जो भी काम कर रहा हो। मैंने एक छोटे लेवल पे सैलून किया, उससे कुछ सरमाया हुआ, एक बिजनेस किया उसके ऊपर, और लोगों ने इतना पसंद किया मेरे काम को कि लोगों ने ही वो इटसेल्फ बिजनेस क्रिएट करवा दिए, और आज वो चल रहे हैं तो मैं उनको इजीली हैंडल कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपका जो मेन मकसद हमने देखा है वो है ख्वातीन को मोटिवेट करना। जो ख्वातीन घर से बाहर नहीं निकलती हैं, आप उनके पास जाती हैं, उन्हें एक्सप्लेन करती हैं किस तरह वो काम कर सकती हैं, अपने आप को ज़ाया कर रही हैं, तो हाँ। उस पे जो आपकी स्ट्रगल है उसके बारे में हमें बताइएगा। बिल्कुल, मैं जो हमारी लेडीज़ हैं पाकिस्तान में, उन सबसे मैं ये कहती हूँ बारहा कि आप अगर गौर करें अपनी तारीख पे, तो जब पाकिस्तान बना था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितने मर्द इस चीज़ में आगे थे उतनी ही लेडीज़ में भी जज्बा था हर किस्म के काम का। लेकिन जैसे जैसे कंट्री स्टेबल हुआ और मशीनों का यूज़ बढ़ गया तो औरतें सहल पसंद हो गईं। आज वो टाइम है कि सिर्फ 10% औरतें काम कर रही हैं, वो भी घुटा घुटा सा छुपा हुआ। तो वो जज्बे को मैं दोबारा रीन्यू करने के लिए निकली हूँ कि आप लोग मेरी ही मिसाल ले लें, मैं एक मिसाल भी हूँ आपके लिए कि कुछ भी ऐसा सेटलमेंट ना हो तो भी इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ इतने टाइम के दौरान तो आपको कैसे नुकसान पहुंच जाएंगे, और काम ऐसी चीज़ नहीं हुआ करता जिसको नुकसान पहुंच जाए, जिसके थ्रू आपको कुछ हो जाए। काम आपको स्टेबल ही करेगा और हर चीज़ को आपकी बेहतरी करेगा, इम्प्रूवमेंट की तरफ लाएगा। अच्छा, अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ, आप ख़वातीन को मोटिवेट करती हैं, तो हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। जब आप किसी खातून को, किसी लड़की को कोई अच्छा मशवरा दें, उन्हें कहें अपने आप को ज़ाया ना करो, तो जो हमारे मर्द हैं वो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि तुमने उस औरत से दूर रहना है, वो औरत तो खुद भी ऐसी है, तुम्हें भी ऐसा बना देगी अपने जैसा, उसको तो शर्म नहीं है, उसको तो हया नहीं है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको सुनने को मिले होंगे? बिल्कुल, देखें मैं ये कहती हूँ लेडीज़ को कि ये फाइट तो आपने अपने घर में ख़ुद रेडी करनी है ना, अगर मैंने की है तो आप भी करें। कि आप बाकी चीज़ें कितनी ऐसी हैं जो अपने शौहर और हस्बैंड के कहने पे छोड़ती हैं। हम सब लेडीज़ अपने शौहरों के मना करने पे या भाइयों के मना करने पे या वालिद के, फैशन भी तो कर ही रही हैं, हम मूवीज़ भी देखती हैं, हम फ्रेंड्स में भी बैठती हैं जो कि अलाव कुछ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, हम नेट भी देखती हैं, तो फिर काम ऐसा क्या बुरा है कि जिसके लिए आप फाइट नहीं करना चाहते। जिसके लिए शायर कहता है कि झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वाह वाह, तो आप चाहेंगे तो आप करेंगे। अच्छा, अपने आप को सब ख्वातीन से अलग आप किस तरह से साबित करेंगी? मैं कर ही रही हूँ ऑलरेडी कि मैं वीक में 2 घंटे ऐसे निकालती हूँ कि किसी भी कस्बे या गांव में जाकर या शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ देखती हूँ कि लेडीज़ बिल्कुल अपने आप को वेस्ट कर रही हैं, तो उनमें मैं एक लेक्चर डिलीवर करती हूँ, या इसे आप कह लें कि एक तकरीर करती हूँ उनमें, कि उनमें कुछ ख्याल पैदा हो कि हमने थोड़ा सा अपने घर से बाहर भी सोचना है कि ये सारे बच्चे हमारे हैं। आप अपनी नाक से आगे सोचने की आदत डालें, सिर्फ आपकी हंडिया बन गई, आपके कपड़े आ गए, आपके जूते आ गए, ये लाइफ नहीं है ना, ये इसका मकसद है। आप इससे आगे जाके सोचें कि आप जो कह रहे हैं कि कंट्री ने हमें क्या दिया, भी आपने कंट्री को कुछ दिया? तो मेरी तकरीर से कम अज़ कम ये फ़ायदा हुआ है कि औरतें अब ये नहीं कहती कि कंट्री ने हमें क्या दिया, वो सोचती हैं कि हमने पहले कंट्री को कुछ नहीं दिया। तो कम अज़ कम कुछ नहीं कर सकते, आप कंट्री को अपना टाइम तो दें। अच्छा, बिज़नेस के हवाले से ही मैं दोबारा आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन काम नहीं करती, घरों में खुद जाती हैं अपनी गाड़ी पर, तो ये आसान होता है आपके लिए करना? इससे क्या जो आपने एक अपना ही ब्रॉड विजन रखना है वो इजी हो जाता है? किस तरह से कस्टमर्स फिर आपसे भी कांटेक्ट कर पाते हैं? असल में जाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो सके शहर में, वो घर बैठ के नहीं हो सकते। दूसरे आवाम में ना कुछ मकासद के लिए निकलना ज़रूरी है। आप घर बैठे अपने हदफ को याद रखें कि कोई भी लेडी बहुत ज़्यादा 4 दीवारी में अपने हदफ हासिल नहीं कर सकती। आपको आवाम में अगर निकले नहीं तो फिर आपने कई जंगें ऐसी जो जीती नहीं जा सकती, ख़ास तौर पर जो ये मैं कर रही हूँ कि एक नाम की जंग मैं कर रही हूँ, एक अपने लिए और एक अपने कंट्री के लिए, तो ये घरों में पॉसिबल नहीं है। आवाम में निकलना पड़ता है और ब्लाइंड बंदा आवाम में नहीं निकल सकता। इसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है, लोगों के बिहेवियर्स को समझा है और अपने आप को पहले इस्टेब्लिश किया है, सेटल किया है, फिर मैं आवाम में निकली हूँ। अपने कारोबार को वक्त कितना देती हैं आप? तकरीबन 19 से 20 घंटे डेली। 19 से 20 घंटे, इससे थकावट नहीं होती आपको? थक नहीं जाती? नींद भी तो इम्पॉर्टेंट होती है। असल में देखें, जब आपने कंट्री का विजन रखना हो ना अपने साथ, फिर आप थक नहीं सकते।
तो इसके लिए शायर कुछ कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह, क्या बात कही आपने सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका विजन को जान के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आप निकल कर लड़कियों को मोटिवेट कर रही हैं कि अपने आप को ज़ाया ना करें, निकलें, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस विजन को हमारी अवाम, हमारी लड़कियाँ आपकी जो वीडियो देखेंगी तो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगी और आप ही के नक्शे कदम पर चलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।